दो दिन पहले एक कॉल आई थी। कितने बजे? 10:30 बजे। मेरे हस्बैंड सोए थे दिन में सुबह 10:30 बजे, और मैं भी नाश्ता वाश्ता करके सोई थी। वो तो नाइट ड्यूटी करके आए थे, तो वो खाना वाना खा के सोए थे। मेरे ब्लॉग में भी है वो चीज़। और फिर मैं भी नाश्ता वास्ता करके सो गई, क्योंकि जल्दी उठना पड़ता है ना, 5 बजे उठती हूँ इन लोग को खाना वाना दे के, इन लोग को स्कूल पहुँचाने के लिए। और ये लोग स्कूल में थे बच्चे दोनों, तब तक एक कॉल आई मेरे मोबाइल पे, मैंने रिसीव किया। बस अपने कान में लगाए थे, बहुत तेज़ नींद आ रही थी, एकदम नींद में मैं थी। तो लेडीज़ थी कोई, और बोली कि मुझे गैस भरवाना है। तो मैंने कहा मुझे भी भरवाना है, वो नींद में ही मैं बोल दी। एक्चुअली मैं ना उसके पहले वाले रात को, संडे की रात को, मैंने गैस बुक किया था रात के 9 बजे। और आज कौन सा दिन है? आज बुधवार है, मंगलवार, सोमवार। सोमवार को नहीं आया गैस सिलेंडर। हाँ, सोमवार को ही सुबह 10:30 बजे हुआ था ये बात। तो सोमवार को सुबह 10:30 बजे मैं बात करी थी, तो मैंने कहा मैं मुझे भी भरवाना है गैस नींद में। फिर उसने कहा कि मुझे आप ही का नंबर मिला है, आप दुकान बंद है अभी, दुकान आपकी। हमके नंबर बोली, तो जब नंबर बोली तो मेरा ही नंबर था सेम, कोई कन्फ्यूजन नहीं था। मैंने 2 बार बुलवाया, 2 बार बोली पूरा नंबर सही है। फिर उन्होंने कहा कि बरौनी पश्चिम टोला से बोल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं बरौनी पूरब टोला से बोल रही हूँ। तो जब मैंने पूरब टोला बोला ना, तो चिढ़ गई थोड़ी सी। उनको लगा ना कोई है जो बहुत सवाल जवाब करने वाला, तो मैं कहती सॉरी सॉरी, मैं वाकई में तो बरौली पूरब टोला से बोल रही हूँ। मेरा भी तो सिलेंडर खाली पड़ा है, मैंने बुक किया था, नहीं हो पाया है, मुझे भी गैस भराना है। अब जो तो मेरे हस्बैंड मुझे धक्का देके जल्दी कहे, उठो उठो उठो, गैस आई गैस। हमको क्या हो गया? उनको लगा ना कि मतलब दरवाजे पे कोई आ गया है गैस सिलेंडर पहुंचाने वाला। वो मेरे कॉल सुन के हल्का सा उनको भी कान में जा रहा था, तो उनका नींद खुलता भाव चक्का होके उठे एक बार। तो कहे कि जल्दी जाओ दरवाजे पे, देखो गैस सिलेंडर आ गया है, ले लो सिलेंडर। मैंने कहा यार बात तो समझने दीजिए, बात अभी पूरी हुई नहीं तब तक आप कह रहे गैस सिलेंडर आ गया। तो मैंने फिर से उनसे बोला, तो बोली कि ये मुझे गैस भरवाना है, मैं पश्चिम टोला बिहार बरौनी से बोल रही हूँ। तो मैंने कहा मैं भी पूरब टोला बरौनी बिहार से बोल रही हूँ, और गैस का बहुत ब्लैकिंग चल रहा है, झूठ मूठ में मैंने मजाक किया। सॉरी यार। मैंने मजाक किया और मैंने कहा कि हाँ बहुत ब्लैक में चल रहा है, मेरा भी सिलेंडर मिल नहीं रहा है, मुझे भी भरवाना है, क्या करूँ, बड़ी दिक्कत है। तब तक मेरे हस्बैंड जो तो मेरे हाथ से मोबाइल लेके कह रहे हैं कैसे भराएगा गैस। वो लेडीज जो है ना कह रही है आपकी दुकान है तो आप ही ना भरेंगे। तो फिर मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, आप दुकान पे पहुंची, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। उसके वजह से फोन कट। मैंने डर के मारे वो नंबर ब्लॉक कर दिया। सॉरी, चाहे जिसका भी हो, मुझे नहीं पता वो कौन था, बरौनी पश्चिम का लग गया। बस एड्रेस मालूम है, नाम भी नहीं मैंने पूछा, मैं कुछ नहीं जानती, सॉरी। यहाँ पे मम्मी निकाल दी है गिरा देसी में चटनी। हाँ, मेदू वड़ा का। अरे दीदी, प्लास्टिक उसी में चला गया। मम्मा ये वाला चटनी? हाँ निकाल रहे, वो है सांभर है। और ये क्या? ये है मेदू वड़ा। मेदू वड़ा तो मेदू वड़ा इस पे रखो। हाँ इसको यहाँ रखो, रुको रुको रुको, चलो खाओ। माँ कितने? तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ मोहित को लेने के लिए, और मोहित पानी पी रहा है, मेदू वड़ा खा रहा है। ये है मेदू वड़ा, मोहित आनंद ले रहा है मेदू वड़ा का। मैं भी सोची कि रास्ते में खरीद लूँ और खिला दूँ बच्चा को अपने, भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। है मेरा बच्चा भुखड़ बच्चा, दुबला पतला बच्चा मेरा, स्ट्रांग बच्चा है, स्ट्रांग बच्चा। खा ले जल्दी खा ले। बज गए शाम के 6 और मैं बना रही हूँ गेहूँ। सब कुछ साफ है, कहीं कुछ है नहीं, बस बना लें, उसके बाद से लेके जाएंगे, पिसवाएंगे, फिर रोटी सेकेंगे, बच्चों को खिलाएंगे। सुबह से केवल चावल चावल किए हैं बच्चे। एक बार ना मन की तसल्ली के लिए बीन लेती हूँ, नहीं तो कुछ निकलता उकलता है नहीं, एकदम क्लीन रहता है गेहूँ। तो मैं बना रही हूँ चावल फ्राई, और आ गए मेरे सरकार जी। 9:45 बजे सुबह गए थे ड्यूटी, और बज रहा है 9:15। अब उनके लिए खाना रेडी है, दाल चावल सब्जी जो सुबह बनाई थी वही बच गया है। अभी आटा का रोटी बनाई थी, वो गेहूं के आटे का गेहूं पिसवा के ले आई, आटा का रोटी बनाई तो मुँह खा लिया। अब सरकार जी को दाल चावल सब्जी दे देंगे और मैं भी खा लूँगी।
झांक लग रहा है मिर्चे वाला। खाना रेडी है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, हाथ जल रहा है, पकड़िए। ये दाल लीजिए, दाल चला के निकालिएगा, नीचे बैठ गया है, ठीक है, गर्म किए थे अभी, गुनगुना है, और गर्म कर दें। हाँ बोलो, जरा बेडशीट सही करो जो तुम लोग बिगाड़े हो। हाँ हाँ बेटा, वो बारिश ज़्यादा होती है ना तो ट्रेन चलाने में दिक्कत होती है, वो इसीलिए लिए हैं ताकि मोबाइल ना भीगे। अभी तो लेके आ रहे हैं ड्यूटी में, अभी तो लेके आ रहे हैं ड्यूटी से। तुम बेडशीट सही करो। दे पका। एक और था ना पाउडर, दो दो इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर। ये है फ्रेंड्स एलर्जी वाला पाउडर, होम्योपैथिक दवा है, मैडम ने दिया था, होम्योपैथिक वाली डॉक्टर साहब ने दिया था, डॉक्टर देवयानी। कैसा है टेस्ट दिखाओ, लो चाटो, चाट जाओ तो ज्यादा अच्छा है। उंगली में थूक लगाओ पहले, सलाइवा लगाओ उंगली में पहले। हाँ अब चाटो, ठीक है। हाँ। मिला दे पानी, कैसे फाक जाओगी, मिला दो पानी, मिला दे। मोहित तुम रुक जाओ पहले, इसको पिला दे, पकड़ो। किताब हटाओ बाबू सामने से, ना किताब भीज जाएगा। अरे गिरा ना मत। ये लो बीरू, तुम पी जाओ तो फिर भैया को भी दे दे, आराम से गिरे ना पाउडर। ये लो, ए लो। हाँ हाँ, तो बीरू दवाई पी रही है, डैडी खाना खा रहे हैं। हाँ पियो ना, पियो मीठा यार, ले शुरू कर दिया ना तुम, गिरा दिए ना, जा रे लल्ला। हम कहते ना कि हमको खोलने दो, आधा तो नुकसान कर दिए, पूरा गिरा दिया। ए जल्दी पी यार, जल्दी पी, गिलास दे, हाई पकड़ बना ला दे। किताब हटा दे, किताब भी जाएगा, इसलिए कहते हैं ना होशियारी से रहा करो, होशियारी समझदारी, होशियार समझदार। चलो मेरे को पता नहीं था, मैं उसको पीछे से खोला तो फिर आ गया, इसीलिए गड़बड़ा गया, आगे से खोल। सीखो बच्चा, मैं इसको क्या करूं, ये झाड़ दूं, इससे पूछ दूं, सब चिपकेगा पक्का पे। आ जाइए पोछा लगाए हैं, आ जाइए सब कुछ कर दो। अब दवाई मत पीना, पोछा लगाना तुम। अब मोही की बारी है, मोही दवाई पी रहा है, पानी पीना है, जिसको पीना है पी लो, कुछ कुछ आके पी लो। बीरू तू भी कुछ कुछ आके पी ले। हाँ। सरकार जी चावल ले आए, दाल और पी लीजिए, बच जाएगा यार, पी लीजिए ना प्लीज। अरे मेरे सोना पी लीजिए, हो गया यार, चले तुम दोनों सो, हम अदरक लेके आते हैं थोड़ा सा, है ना, तन सब्जी ले ले, ठीक। हम नहीं पिए, हम बाद में पियेंगे सोते समय, पहले हम अपना काम निपटा ले सारा। फाइनली फ्रेंड्स बज गए रात के 11 और मैं धुल रही हूँ कपड़े, कपड़े धुलूंगी तभी सुबह मोहित को स्कूल भेज पाऊँगी, उसका स्कूल ड्रेस फंसा हुआ है मशीन में और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं भी जा रही थी सोने, अचानक मुझे याद आया कि अरे उसका कपड़ा तो मशीन में है। वैसे दूसरा सेट है लेकिन वो थोड़ा सा छोटा है, तो बारिश का मौसम है ना तो उसको बड़ा सेट चाहिए ताकि उसको मतलब भीगे मत हो। फिर भैया अंदर चलो, घबराओ नहीं, अभी मेरा मशीन चल रहा है, कपड़ा धुल रहा है, बज गए 11:30 और मेरा काम ख़त्म होते होते हो जाएगा 12, दोनों बच्चे पीछे सो गए हैं, मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही है, भयंकर, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। मैं जा रही हूँ सोने, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक से सब्सक्राइब मत करिए, जान दीजिए, छोड़िए, जान दीजिए, बेकार।